रिकॉल्स क्यों नहीं आ रहे हैं, टीजीटी या पीजीटी के रिकॉल्स, फाइनल रिजल्ट, सेकंड रिकॉल, फाइनल रिजल्ट या सिलेक्शन वाला प्रोसेस क्यों रुका हुआ है, किस वजह से क्या दिक्कत आ रही है। तो एक कोई ग्रुप है, मैं क्या पता नहीं इसका मुझे नाम इसमें आया है या नहीं, नाम नहीं आया है, शायद दिल्ली अध्यापक कुछ करके, अभ्यार्थी कुछ करके एक ग्रुप है, वहां से बहुत 1500 कुछ कैंडिडेट वहां पर कनेक्टेड हैं, आप अगर सर्च करना चाहें तो उनमें से किसी कैंडिडेट, कोई कैंडिडेट, कुछ कैंडिडेट एक्चुअली डिपार्टमेंट में गए थे, और उन वहां से क्या खबर आई कि दो कैंडिडेट्स को अलाउ किया गया कि आप जाके डिपार्टमेंट में अंदर जाकर आप बात कर लीजिए, ऑफिसर आपसे बात करने को राजी हैं। वहां से जो चीज निकल कर आई मैं वो बता रहा हूँ, और ये चीज मुझे किसी कैंडिडेट ने, एक कैंडिडेट ने शेयर की थी टेलीग्राम पर, जो कि मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर फॉरवर्ड कर लिया, क्योंकि वो टेलीग्राम मेरा इसी मोबाइल में चलता है ना। सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग, ये मैं आपको कंप्लीटली बता रहा हूँ, इन शॉर्ट जिस तरीके से भी कैंडिडेट ने मुझे बताया, सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग, स्पेशल लाइब्रेरियन और क्लर्क एटसेट्रा नहीं, ठीक है, स्पेशली लाइब्रेरियन के लिए कैंडिडेट्स ने बात की थी कि क्यों अटका हुआ है। इन सब में एक टेक्निकल इश्यू अराइज हो रखा है, इस वजह से किसी भी पोस्ट कोड का ना रिकॉल आ रहा है ना फाइनल सिलेक्शन एटसेट्रा। प्रॉब्लम ये है, जैसे कि DTRPSB ने पहले से दिया हुआ होगा कि अगर किसी भी दो या दो से ज़्यादा कैंड स्टूडेंट्स के मार्क्स क्लैश हो रहे हैं तो प्रेफरेंस इसे दी जाएगी जिसके पार्ट बी में मार्क्स ज़्यादा हैं, ठीक है। अच्छा, मैं एक बात पर रुकना चाहूँगा कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ना, कि अगर दो कैंडिडेट मान लीजिए आप हो और मैं हूँ, तो डिपार्टमेंट और हमारे मार्क्स क्लैश कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस देगा जिसके पार्ट बी में मार्क्स ज़्यादा होंगे। मैंने ये बात सच बताऊं तो पर्टिकुलरली किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट के तौर पर मैंने नहीं पढ़ी है, मुझे नॉलेज नहीं है, हो सकता है डिपार्टमेंट ने ये चीज शेयर की हो, पार्ट बी में ज्यादा है, ओके। और इसके बावजूद भी क्लैश हो रहे हैं, मतलब ये एक तो ये चीज होगी, डिफरेंशिएट हो गया कि भाई कैंडिडेट किसके मार्क्स ज्यादा है, और उसके बावजूद भी अगर काफी सारी चीजें क्लैश कर रही हैं तो उसकी एज ज्यादा, मतलब उसे बेनिफिट दिया जाएगा जिसकी एज ज्यादा है, ठीक है। हाँ, एज के ग्राउंड वाली चीजें मैंने पढ़ी भी हैं, होती हुई देखी भी हैं। मान लीजिए मेरे और आपके मार्क्स क्लैश कर रहे हैं किसी फाइनल रिजल्ट के बेसिस पे, तो डिपार्टमेंट किसको चुने, सीट एक ही देनी है, तो वो उनको चुनेंगे जिसकी एज ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये चीज तो होती है और होती हुई देखी भी है, पर शायद रिजल्ट बनाने वालों ने ये कंसीडर नहीं किया था और रिजल्ट एज वाइज देना शुरू कर दिया था, तो अब वापस रिवाइज होने गया है इस मैटर के लिए वो भी सबका। जैसे ही ये क्लियर होगा और किसी भी पोस्ट कोड का फर्स्ट रिकॉल आ जाएगा अब से, तो उसके विद इन 10 डेज में हमारा रिजल्ट आ जाएगा, इस बात की एश्योरेंस हमें देकर भेजी है। हम में से दो बंदों को अंदर बुलाया था जो बात करके आए हैं, ये आज की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है जी। ये मैंने आपको बताया जो भी चीज़ मुझसे शेयर की गई कैंडिडेट्स के ही द्वारा, तो मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, और इसी वजह से मैं आपको बार बार कह रहा था कि मुझे नहीं पता चल पा रहा है डिपार्टमेंट से अंदर से कि भाई क्या चीज़ें चल रही हैं और क्या नहीं चल रही, पर्टिकुलरली पोस्ट कोड। और ये यहाँ पर जो कैंडिडेट ने बात की स्पेसिफिकली लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए की गई, और किसी नॉन टीचिंग एग्जामिनेशन की बात नहीं की गई है, इसके अंदर टीचिंग एग्जामिनेशंस को ही जनरलाइज करके आपके ऑफिसर ने यहाँ पर चीज़ें कन्वे की हैं, ठीक रही बात। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ भी क्लियर हो गई है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैंने बताया डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, कुछ कहीं कहीं पर किसी वजह से कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, सब चीज़ें टेक्निकल हैं और वो चीज़ें कहीं ना कहीं अगर ऊपर नीचे हो जाती हैं ना तो पूरा मामला खराब हो जाता है। ये टेक्नोलॉजी के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हो रहे हैं।